आप सर्च कर लो ना, 5 करोड़ रोजगार हर साल जनरेट हुए हैं। तो भैया मेरे को नहीं करनी, मोदी जब मेरे को 10 लाख तक बिना गारंटर के लोन दे रहा है, मैं खुद का बिजनेस कर सकता हूँ, अपने नीचे 2 नौकर रख सकता हूँ, तो मैं नौकर क्यों बनूँ किसी का? भाई साहब राहुल गांधी क्या कर रहा है, 1 लाख रुपए दे रहा है, 8,500 सबको दे रहा है, लोगों के क्या बना रहा है? आदि बना रहा है लोगों को कि काम ना करे, भैया घर पे बैठ के बस आराम से मुफ्त की रोटियां तोड़े। 1 सेकंड, राशन कमाने के लिए पैसा नहीं है क्या? क्यों देना फ्री में? यार को मोदी सरकार बांट रही है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो लोग भीख मंगे हैं या फिर उनके पास रोजगार नहीं है, ठीक है? तो ये चीज गलत है कि अगर अनाज कुछ आपके घर पे सड़ रहा है आप 4 लोगों में बांट के खिला दो तो ये चीज गलत है कि आपको सड़ाना पसंद है? बताइए ना, नाम बताइए 2-4 कंट्री का, आप बताइए कितने टन करते हैं। मुझे इसके बारे में नहीं पता, मैं कोई अफगानिस्तान जैसे देश को हम लोग यहाँ से सप्लाई करते हैं ट्रकों से ट्रक। भ्रम फैलाने का काम मत कीजिए चाचा जी, ये आप जो है ना निरर्थक बातें करते हैं यहाँ पे। एक आप पक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, दूसरी बात आपसे जब सवाल पूछा जा रहा है कौन सा कंट्री, नहीं बता पाएंगे किस कंट्री से इम्पोर्ट कर रहे हैं गेहूँ। हमने पूछा कितने जो है वो टन इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो भी नहीं बता पाएंगे, कब किया वही नहीं बता पाए, तो क्यों बोल रहे हैं भाई? एयर के अंडर में आता आप ये बताओ, आपकी तो जिम्मेदारी सरकार की है। आप मुझे चाचा क्यों कह रहे हो, पहले तो ये बताओ आपकी कितनी उम्र है आपकी, कौन से ईयर में बोल रहा हूँ आप ये बताओ, एक मिनट, कौन से ईयर में बोल रहा हूँ? गलती हो गई बड़े भाई। हाँ तो ये ना मैंने आपको, अरे नहीं बुरा नहीं लगा मेरे को, किसी भी चीज का बुरा लगता ही नहीं। कहते हैं NDMC भी दिल्ली सरकार के अंडर में आती है, तो हमको तो पता है सारे के जिम्मेदार आम आदमी पार्टी की सरकार है। बैठेंगे चाचा जी को, मंत्री धरनों पे बैठेंगे और रहेंगे तो जनता सोचेगी डर गए। हम डरते नहीं है किसी, एजेंडा क्या चल रहा है? केंद्र को बदनाम करने के लिए पंप लगा करके पानी प्रगति मैदान का जो अंडरपास टनल है उसके अंदर छोड़ा जा रहा है, मतलब इतनी नीचे गिरी हुई। अगर राज्य कहते हैं हरियाणा पानी नहीं छोड़ा, अरे हरियाणा ने अपने राज्य में बाढ़ लानी है, पहाड़ों पे इतनी बारिश हो रही है, हर एक राज्य के अंदर इतनी बारिश हो रही है, दिल्ली के अंदर 2 घंटे की बारिश में दिल्ली डूब गई है, ये कह रहे हैं हरियाणा पानी नहीं दे रहा। ये तो वही बात होगी जैसे पहले कह रहे थे कि परालियां जो पंजाब में जलती है हमारी सरकार लाओ हम ऐसी खाद बना देंगे वो खेती में काम आएगी, बन गई वहां पे खाद। 5 करोड़ रोजगार हर साल जनरेट हुए हैं, गूगल सर्च कर लो, अब देखो भगने लगे, यही होता है। आप सर्च कर लो ना, 5 करोड़ रोजगार हर साल जनरेट हुए हैं, और रोजगार की बात अगर सरकारी नौकरी होती है ना तो भैया मेरे को नहीं करनी, मोदी जब मेरे को 10 लाख तक बिना गारंटर के लोन दे रहा है, मैं खुद का बिजनेस कर सकता हूँ, अपने नीचे 2 नौकर रख सकता हूँ, तो मैं नौकर क्यों बनूँ किसी का? भाई साहब क्यों बनूँ? उसके बाद इन्होंने बोला ना कि 12-12 हज़ार पे नौकरी दे, तो राहुल गांधी क्या कर रहा है, 1 लाख रुपए दे रहा है, 8,500 सबको दे रहा है, लोगों के क्या बना रहा है? आदि बना रहा है लोगों को कि काम ना करे, भैया घर पे बैठ के बस आराम से मुफ्त की रोटियां तोड़े, ठीक है? 1 सेकंड, 1 सेकंड, 80 करोड़ जनता को मिल रहा है चावल और दाल, क्या राशन हो रही है वो, क्या है? अच्छा 80 करोड़ जनता को मिल रहा है, क्या दिक्कत है? तो क्लियर कर देता हूँ इस चीज को, अंकल सुन के जाना, जो राशन बट रहा है ना उसको कोर्ट ने बोला था मनमोहन सिंह के टाइम पे कि हरियाणा और पंजाब में सिर्फ 169 मैट्रिक टन अनाज सड़ जाते थे, सिर्फ रखे रखे वहाँ पे, ठीक है? तो वो कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि इस अनाज को आप बांट दीजिए, मनमोहन सिंह को कहा था, मनमोहन सिंह ने बोला था कि हमारी राजनीतिक मामला है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें, ठीक है? उस चीज को मोदी जी आए एक्सेप्ट करके और लोगों को बांट रहे हैं, इनकी तरह फ्री की वो नहीं बांट रहे, वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है? राशन से आपको कोई पर्सनली प्रॉब्लम है? चीज को बांट, पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, बट आप एक बात बताओ, 80 करोड़ इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 80 करोड़ जनता, इसका मतलब ये होगी उसको बस अपना राशन कमाने के लिए पैसा नहीं है क्या? क्यों देना फ्री में? क्लियर कर दिया मैंने, साफ तौर पे क्लियर कर दिया, 1 सेकंड, मैंने साफ तौर पे, एक मिनट, मैंने साफ तौर पे अंकल के सामने क्लियर कर दिया, आप सर्च कर लो कि वो जो अनाज सड़ रहे थे उसको मोदी सरकार बांट रही है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो लोग भीख मंगे हैं या फिर उनके पास रोजगार नहीं है, ठीक है? तो ये चीज गलत है कि अगर अनाज कुछ आपके घर पे सड़ रहा है आप 4 लोगों में बांट के खिला दो तो ये चीज गलत है कि आपको सड़ाना पसंद है? इस बात का अभी आपको पता है कि हम गेहूं और आटा इम्पोर्ट कर रहे हैं? अच्छा पता है आपको ये वाली बात? क्या नहीं पता है? कहाँ से? कहाँ से कर रहे? विदेशों से कर रहे हैं। कौन सी कंट्री? ये कौन सी कंपनी आपको आंकड़े बता रही है सर? कौन सी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं? बताइए ना, नाम बताइए 2-4 कंट्री का, आप बताइए कितने टन करते हैं। कितना नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता, मैं कोई अफगानिस्तान जैसे देश को हम लोग यहाँ से सप्लाई करते हैं ट्रकों से ट्रक। भ्रम फैलाने का काम मत कीजिए चाचा जी, ये आप जो है ना निरर्थक बातें करते हैं यहाँ पे। एक आप पक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, दूसरी बात आपसे जब सवाल पूछा जा रहा है कौन सा कंट्री, नहीं बता पाएंगे किस कंट्री से इम्पोर्ट कर रहे हैं गेहूँ। हमने पूछा कितने जो है वो टन इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो भी नहीं बता पाएंगे, कब किया वही नहीं बता पाए, तो क्यों बोल रहे हैं भाई? सही इन्फॉर्मेशन लेकर के आइए ना, जनता में भ्रम फैलाने का काम क्यों कर रहे हैं? और सुनिए, 40 ही आएंगे अब गए, राहुल गांधी 40 इतना भी चिल्ला लो, 40 ही आएंगे अब गए।
मेरा राहुल गांधी नहीं है, नहीं है भाई, राहुल गांधी तो तुम्हारा होगा भाई, हमारा नहीं है, वो सबका है। चलिए विपक्ष ने कहा कि 5 किलो राशन दे करके लोगों को आलसी बना रहे हैं, तो खड़गे साहब क्यों बोले हम 10 किलो देंगे? वो डबल आलसी बनाने के मूड में थे क्या? बताइए, ये तो राजनीतिक पार्टी होगा ना, राजनीतिक बयान होते हैं। विरोध सिर्फ भाजपा का ही क्यों? बाहर विरोध सबका है, हम सवाल सबसे पूछेंगे, सवाल सिर्फ सवाल उससे पूछा जाना चाहिए जो सत्ता में होगा। विपक्ष से सवाल पूछने का कोई हक नहीं है, विपक्ष क्या करेगा? सवाल सिर्फ उससे पूछा जाता है जो सत्ता में होता है, जवाबदेही जवाबदेही उसकी होती है। केजरीवाल से पूछिए जो छोटे छोटे बच्चे गंदे पानी पी के ना वो हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, पानी की जो समस्या हो रही है उस चीज पे बोलिए। आतिशी जी आप धरना पे मत बैठिए, उतर के ग्राउंड लेवल पे आप चेकअप कीजिए, कहाँ से क्या दिक्कत है, क्यों पानी नहीं आ रहा है, धरना पे क्यों बैठ रही हो तुम, जल मंत्री किस लिए हो तुम? सिर्फ धरना पे बैठ के घर पे बैठ के पिज्जा बर्गर खाने के लिए हो क्या? जो पाइपलाइन लीक हो गई उसको रिपेयर क्यों नहीं करा रहे हैं? बताओ ना जो समस्या हो रही है। सरकार कैसे चलती है? सरकार कैसे चलती है? आप सवाल उठाओ। अरे सरकार का सिस्टम क्या होता है? लो जुडिशियली समझाने दीजिए। जुडिशरी से सरकार इकबाल चलता है, देश चलता है जुडिशरी से, लेजिस्लेशन से और एग्जीक्यूटिव पावर से। नेता का काम होता है सिर्फ डिक्टेशन डायरेक्ट करना। अच्छा। कोई भी नेता है, अच्छा। चाहे वो केजरीवाल है, राहुल गांधी है, नरेंद्र मोदी है, एनीवन। उसके बाद जो उसकी एग्जीक्यूशन पावर होती है वो ब्यूरोक्रेट्स के पास होती है। अच्छा। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ दिल्ली का स्ट्रक्चर। एक मिनट, एक सेकंड, पहले ये जवाब, ये जवाब मैं बाद में दूंगा, लेकिन आपका खंडन करते हुए आपने जो नीट पेपर का जिक्र किया उसको लेकर आपने सरकार को क्यों घेरा फिर? अगर आपको इतनी नॉलेज है कि सरकारें कैसे चलती हैं, तो नीट की जिम्मेदारी के लिए भाजपा कैसे है? मैंने कब कहा भाजपा जिम्मेदार है? आपने सवाल पूछा था, रिकॉर्डेड है सारा, रिकॉर्डेड है सारा। मैं बोल रहा हूँ कि नीट जिसने भी लीक किया जिम्मेदारी किसकी होती है ये बताओ मुझे अब। तो यहाँ जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की नहीं है, वो बिल्कुल जायज है, जो सत्ता में है उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ दिल्ली में वो उलट कैसे? हमारे यहाँ की प्रॉब्लम की जिम्मेदार कौन है? आम आदमी पार्टी नहीं है। तो मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, उठाओ ना सवाल। मैं आपके सवाल का जवाब क्यों दूं? पहले आप मेरे सवाल का जवाब दो, फिर मैं दूंगा। मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। अरे कोई नहीं फंसा, ज्यादा अभी, अरे सुनिए, ज्यादा चीखने और चिल्लाने से कुछ नहीं होता। जो सॉरी अभी जब जो आदमी भाजपा जिम्मेदार 100% लेते, फिर मैं ज्यादा चीखने से क्या होता है, आप कमजोर हो ना, ना ना ये हमेशा से यही होता है, जो ज्यादा चीखता है, ज्यादा चिल्लाता है, ज्यादा शोर मचाता है कि उसको ना नॉलेज है ना कुछ है, वो कमजोर है, वो अब जोर से बोल के सामने वाले की आवाज को दबाना चाहता है। आवाज ही तेज हो नेचुरली वो। अच्छा, तो जो ये सवाल कर रहे थे दिल्ली में जो जल संकट आया अभी, अभी पहले लेट हो रहा हूं सर, लास्ट सवाल, पहले जल घटाव था, अभी जल बढ़ा हुआ है, इन दोनों को लेकर आम आदमी पार्टी को क्या? यार ये ना एक पॉलिटिकल आंसर है हमेशा से। अगर आप देखोगे आज टर्मिनल 1 की छत गिर गई, आपको पता है कि हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री ने क्या बयान दिया उसके ऊपर, क्या स्टेटमेंट दिया? नहीं, क्या स्टेटमेंट दिया आपने? सर मैं बता रहा हूँ, अरे तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ इनका विपक्ष की सरकार है, इंडिया गठबंधन के घटक दल आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ चाचा के नैतिकता, चाचा के उम्र और चाचा के तजुर्बा को जो है वो क्या कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वहाँ इनका तजुर्बा जीरो है। हाँ। मैंने अभी आपको पहले भी बोला था, फिर से रिपीट करता हूँ, ज्यादा तेज आवाज करने से, ज्यादा चीखने से, ज्यादा एक्शन करने से ये प्रतीत नहीं होता कि आपको ज्यादा नॉलेज है, आपको ज्यादा पता है। आप उस चीज को छोड़िए, आप आराम से कायदे में तहजीब से लहजे से बात कीजिए। जो मैं बात कर रहा था आप उसको सुनिए, पहले पूरी बात को सुनना सीखें। आज सुबह बारिश आई दिल्ली के अंदर, जिससे जल जमा हुआ, जल भरा हुआ, सब कुछ हुआ, टर्मिनल 1 की छत गिरी, जो लोग फ्लाइट पकड़ने के लिए जा रहे थे उसके ऊपर छत गिरी और एक आदमी की मौत हो गई उससे। उसके ऊपर हमारे मंत्री जी का बयान क्या था ये बताइए आप, क्या आपने सुना उसके बारे में? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। उन्होंने कहा कि ये जो 2009 में बना था एयरपोर्ट, यहाँ पे जब हमारी सरकार ही खुद इसको डिफ्रेंशिएट कर रही है कि मेरे टेन्योर में नहीं हुआ, उसके टेन्योर में, अब नैतिकता किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है, रेनोवेट किसने किया उसको? तो सवाल तो बहुत बढ़िया है। चलिए मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे जो सरकार में है उसकी जिम्मेदारी है जो टर्म वो छत फटी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब आज पहला बारिश हुआ इस सीजन का और दिल्ली में पानी भर गया, तो नाला सीवर की जो प्रॉब्लम है ये आम आदमी पार्टी ने ठीक नहीं किया, इसका जिम्मेदार कौन है ये इसमें बताइए? दिल्ली की सरकार गलत है कि नहीं है? दिल्ली की सरकार सही से अपने काम को कर रही नहीं कर रही? यस सर नो, जवाब दे दीजिए। मैं आपको जवाब दूंगा इसका, मैंने अभी जो आपको बताया था, जुडिशरी, लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूशन, तीन चीज़ों से काम देश सरकार चलती है। मंत्री का काम है अपने विभाग में, अपने जो उसके साथ जो
अधिकारी होते हैं जो IAS हैं, IPS होते हैं या और भी सीनियर, उनको एग्जीक्यूट करना। और आज अगर आप दिल्ली के स्ट्रक्चर को देखोगे, दिल्ली में कितनी तरह की, आपको पता है कि कितनी तरह की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं, एक MCD है, एक NDMC है और एक आपकी जो नहीं वो फ्लड सेल अलग है, वो आर्मी वाले एरिया में चल, DCB दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, सबका अलग अलग एरिया है, वो अलग छावनी है, है ना, वो अलग तरह से चलती है। तो जब मैं अगर कोई निर्देश दे रहा हूँ किसी भी मंत्री को, उसको निर्देश कहीं और से आता है जो जो उसके माता दी, वो उसके मातहत है ही नहीं अधिकारी, तो जवाब उसका काम कौन करेगा? अगर आप मेरे मातहत आते ही नहीं हो, मैंने बोला कि आप इसको लेकर, मेरा एक सवाल है आपसे, आपने जो एक सेकंड सिस्टम की जो बात की, आपने सिस्टम, प्लीज लेट अस कंक्लूड। आप ये कह रहे हो कि मंत्री का काम सिर्फ आदेश देना, अब उसके बाद एजुकेशन जो है वो उस जो अधिकारी हैं वो करते हैं, तो अधिकारी जल बोर्ड है ना, जल मंत्री, अब जल बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो किसके अंडर में है? जल मंत्रालय के अंडर में है, दिल्ली सरकार के। तो क्या वो मंत्री के आदेश को नहीं सुन रहे? इसका मतलब ये घूस दे रहे हैं मंत्री को। ये रिसर्च कर लेंगे, मेरे एक सवाल सुन लीजिए, एक मिनट, आपने जो सिस्टम की बात है कि मेरा सवाल सुनेंगे आप? आप ये बताओ, आपकी जिम्मेदारी सरकार की है। आप मुझे चाचा क्यों कह रहे हो? पहले तो ये बताओ, आपकी कितनी उम्र है आपकी? कौन से ईयर में बोल रहा हूँ आप ये बताओ, एक मिनट, कौन से ईयर में बोल रहा हूँ? गलती हो गई बड़े भाई। हाँ तो ये ना, मैंने आपको, अरे नहीं बुरा नहीं लगा मेरे को, किसी भी चीज का बुरा लगता ही नहीं। मैंने, आप इतना उछल चुके हैं, मैं तो वहीं का वहीं हूँ ना, मैं वैसे ही खड़ा हूँ। मेरे एक सवाल है आपके लिए, एक सवाल है, आप जो बात कर रहे हैं, एक लास्ट सवाल बस, सिस्टम की जो बात की आपने, इसका जवाब मैं बिल्कुल जानता हूं। CD और PWD का क्या काम है? अगर ये जल भराव हो रहा है दिल्ली के अंदर, गली मोहल्ले या नाले बैक मार रहे हैं, आप बताओ ना, PWD और वो आपसे पूछ रहे हैं सर, वो आपसे पूछ रहे हैं, ये क्या काम करेगी? फ्लड डिपार्टमेंट क्या काम करेगा आप बताओ? फ्लड डिपार्टमेंट किसके अंडर है? और जो है क्या कहते हैं, NDMC भी दिल्ली सरकार के अंडर में आती है, तो हमको तो पता है सारे के जिम्मेदार आम आदमी पार्टी की सरकार है। बैठेंगे चाचा जी को, मंत्री धरनों पे बैठेंगे और रहेंगे, तो जनता सोचेगी डर गए। नहीं, हम डरते नहीं है किसी से, जवाब दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से, मैं इन सब चीजों में नहीं आता, ये बहुत करके छोड़ चुका हूँ। बात आप बड़ी गहरी गहरी मार रहे थे, आप कह रहे हैं कि चीजों में नहीं आता, इनका जवाब दीजिए प्लीज, बाद में एक नहीं देंगे ये, एक्चुअली क्या ये भटके हुए बुजुर्ग है हमारे, जो आने वाली पीढ़ी का अच्छा नहीं सोचते, ये सब कुछ समझे हुए हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, इन्होंने अपना कार्यकाल देख लिया, पानी में डूबी हुई दिल्ली, लंदन पेरिस का ख्वाब दिखा दिया युवाओं को, और ना लंदन बना ना पेरिस बना, लंदन जाते हैं थेम्स है वहाँ की नदी देख लो जा करके, यहाँ की यमुना बन गई थेम्स, पेरिस जाते हैं एफिल टावर देखते हैं, यहाँ तारों के जंजाल देख लो, तो ये क्या बना दिया लंदन में, तो ये हमारे बुजुर्ग है। तो बहुत, एक मिनट बस, अभी आपने इन भाई साहब को सुना, चाचा जी छोड़िए, कह रहा मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे सारे बच्चे बिजनेस करते हैं, ऐसे बिजनेसमैन, ऐसे देश के नागरिक यदि इस तरीके से लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, तो बताइए जो अनपढ़ है, जो और जैसे लोग हैं, वो कैसे लोगों में भ्रम फैलाने का काम कर रहे होंगे? ये देश के जो है ये विडंबना है, आप देखे होंगे ये कैसे लोग। अच्छा, उनकी बातें तो सुनी और काफ़ी सारे मुद्दे छोड़ कर गए, लेकिन एक बड़ी बात वो बोल के गए कि अभी माइक जो म्यूट किया गया राहुल गांधी का, ये पहली बार नहीं हुआ, पिछले 10 सालों से यही हो रहा है, विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। देखिए, विपक्ष अब इतना मजबूत होकर के आए, अब भी उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो क्या कह सकते हैं, अब भी विपक्ष दब रहा है, 99 सीट ला के हाहाकार मचाने के बाद भी माइक म्यूट कर दिया गया, क्यों कर दिया गया, रीज़न होगा ना, ऐसे थोड़ी ना कर दिया गया होगा। अब इन्होंने एक एजेंडा फैला दिया था कि शाखा से संस्कार नहीं आते हैं, परिवार से संस्कार आते हैं, लेकिन वो संस्कार क्या आए थे, शपथ लेकर के सीधा नीचे उतर गए, इन्हीं के जो नेतागण थे वो बोल रहे कि जाकर के भैया जो स्पीकर चुना उससे हाथ में ला लो, धन्यवाद कर दो, और उसके बाद दिखा रहे हैं मेलो ड्रामा, मतलब ऐसे तो ये राजनीति कर रहे हैं चमकती हुई, और जनता को समझ रखे हैं बिल्कुल बुद्धू, जनता के मुद्दों पर बात करो। ये अब दिल्ली के अंदर मॉनसून आ गया, पूरे भारत के अंदर ये जल भराव हो रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है, इससे कैसे उभरोगे, इसके लिए आपके क्या काम है? सरकार से भी सवाल पूछो ना, विपक्ष में बैठे हो तो क्यों नहीं पूछते? आज दिल्ली सरकार लंदन पेरिस का सपना दिखाने वाली एक जेल में जाकर के बैठ गए, तीसरी अनशन पे बैठ गई जाकर के, 2 दिन में BP भी गिर गया, शुगर भी गिर गई, बेहोश भी हो गई, यहाँ जो जनता की जनता तराई तराई मचा करके बैठी है वो, और दूसरा एजेंडा क्या चल रहा है, केंद्र को बदनाम करने के लिए पंप लगा करके पानी प्रगति मैदान का जो अंडरपास टनल है उसके अंदर छोड़ा जा रहा है, मतलब इतनी नीचे गिरी हुई अगर राजनीति, पहली बारिश में ये हाल है, पहली बारिश है, आप खुद देखो इनके क्या, इन्होंने कहा जब जेल गए कि मेरे दिल्ली वासियों को पानी की किल्लत ना हो, ध्यान रखना,
इनका बेटा जेल में है, लेकिन आप सब इनका ध्यान रखना, पानी की दिक्कत ना हो, सड़क की दिक्कत ना हो, फ्री यात्राओं की दिक्कत ना हो। यहाँ पे 7 सीटें क्या हारे, सब्सिडी खत्म कर दी इन्होंने, क्या हुआ आप गरीब जनता का बताओ। अच्छा अनशन कहाँ जाएगा, अभी जैसे जल घटाव था, अभी तो जल बढ़ गया है दिल्ली में, इस अनशन का क्या होगा? ये बेवकूफ बनाने का एजेंडा है सर। एक बात बताओ, कहते हैं हरियाणा पानी नहीं छोड़ा, अरे हरियाणा ने अपने राज्य में बाढ़ लानी है, पहाड़ों पे इतनी बारिश हो रही है, हर एक राज्य के अंदर इतनी बारिश हो रही है, दिल्ली के अंदर 2 घंटे की बारिश में दिल्ली डूब गई है, ये कह रहे हरियाणा पानी नहीं दे रहा। ये तो वही बात होगी जैसे पहले कह रहे थे कि परालियां जो पंजाब में जलती है हमारी सरकार लाओ, हम ऐसी खाद बना देंगे वो खेती में काम आएगी, बन गई वहां पे खाद। अब सारा ठीकरा फोड़ दिया हरियाणा के ऊपर कि भैया वही पराली जला रहा है, वो बाज नहीं आ रहा। तो ये मतलब ऐसी मानसिकता वाली सरकार मिली है, और ये पूरे विश्व के अंदर, भारत में नहीं पूरे विश्व में एक ऐसी सरकार है मेलोड्रामे की जो दिल्ली में पाई जाएगी। लेकिन ये कुदरती आपदा जो है, बारिश तो कुदरत करती है, इसका ठीकरा किस पे फोड़ सकते हैं? यार सरकार के क्या मैनेजमेंट क्या है, सरकार ने क्या हमारे लिए सोचा, क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई, जब इनको पता है मानसून है, और पहले भी जो मौसम विभाग है कह रहे हैं कि पिछले साल से तगड़ा मानसून होगा, और 3 दिन का तो हाई अलर्ट दे रखा है, उसके बाद तुम्हारे क्या इंतजाम है? अब बाढ़ आ गई तब तुम पंप के इंतजाम करते फिर रहे हो, तब तुम सफाई कर्मचारी लेकर के आ रहे हो डंडियां लेकर के सीवर खोलने के लिए, उससे पहले तुम्हारे क्या इंतजाम थे? क्यों सीवर लाइनें साफ नहीं हुई, क्यों उसमें हैवी पंप सक्कर जो होते हैं वो यूज नहीं करे गए? मतलब जब लोगों का नुकसान हो गया, जब लोग तराई तराई मच गई, जब लोगों की गाड़ियां फंस गई, क्या क्या खुली। अच्छा एक सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है इस बारिश को देखकर, जैसे जलभराव है, कि क्या दिल्ली फिर से डूबेगी जो हालत पिछले साल थे? बिल्कुल सर, आप ये देखो 2 घंटे की बारिश ने दिल्ली को डुबो दिया, आप क्या अपेक्षा कर सकते हो? जो आने वाला मानसून ने जो चेतावनी दी है उसको देखते हुए दिल्ली बच जाएगी? क्या ये जल उठा करके केजरीवाल जी अपने शीश महल में ले जाएंगे बताओ? ये तो जनता भोगने के लिए 10 सालों से भोग रही है। लोगों को लगा था ये नेता है कैसा आया है, शायद कुछ नया करेगा, शायद दिल्ली के लिए अच्छा करेगा, इसके अंदर एक सच्चाई नजर आ रही है। लोगों ने कहा 1 साल में थोड़ी ना हो जाएगा, चलो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल, एक इंसान ने 10 साल में किया क्या एक काम? केजरीवाल को क्यों कोसते हो भैया, बंद है जेल में, प्रयास जारी है निकालने के लिए, बीजेपी निकालने नहीं दे रही है। एक बात बताओ, इनके किसी सपने में आए थे भगवान ईष्ट आए थे, भैरव बाबा आए थे कि भैया शराब घोटाला कर? बताओ किसने कहा था शराब घोटाला कर? अब सीबीआई ने जब पूछा भैया ये शराब नीति जो तूने बनाई क्या था, कहता आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ले गई उठा करके। अब सवालों के जवाब दो, फिर ठीक रहा तुम फोड़ते हो कि भैया इसके अंदर राघव चड्ढा और पता नहीं कौन कौन उनको पता था। तुम अपने ही मंत्रियों को फंसा रहे हो, तुम्हारे जो मंत्री पहले जेल गए वो बाहर आ नहीं पा रहे, तुम मुख्यमंत्री होकर के अंदर बंद हो। साल तो नहीं, बीजेपी के सुनीता जी बोल रही हैं कि सीबीआई ने इसलिए पकड़ा है क्योंकि उनको जमानत मिलने वाली थी। अच्छा तो फिर ये संजय सिंह जी को तो बाहर ही नहीं आना चाहिए था, और सबसे बढ़िया मुख्य चेहरा थे राहुल गांधी जी, ये कैसे बाहर घूम रहे हैं? दिल्ली के यूपी के 2 लोंडे बने फिर रहे थे जो, वो कैसे बाहर घूम रहे हैं?